तो उस टाइम पूरा लाइव देखा मैं, डे टू डे मतलब फॉलो करते गया, तो मेरे को लगा कि एशिया टेलीकॉम ही बेस्ट है, जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को सीखने को मिलेगा वही है एशिया टेलीकॉम। इसलिए मैं फिर डिटेल में, पहले दिन तो सर कुछ भी नॉलेज नहीं, हाँ अब तो बहुत नॉलेज है। आज हमारी क्या क्लास थी बताइए सर? आज है ना डेड डायग्नोस्टिक, डेड डायग्नोस थे। हमने यहाँ पर डेड डायग्नोस क्या अपने मोबाइल में किया, किसके मोबाइल में किया बताइए? हमारे मोबाइल, आपके मोबाइल में, कितने मोबाइल में किए लगभग यहाँ पर? 65 प्लस। ये हमने किए कि नहीं किए यहाँ पर? ये देखो वहाँ पर दिखाओ, ले जाकर एक बार सेट दिखा दीजिए। 65 सेट में डेड डायग्नोस किया देख सकते हैं, 65 प्लस सेट है। वोल्टेज चेक कराया गया बोर्ड टू बोर्ड, चिप टू चिप, कि कौन सी चिप में कितना वोल्टेज आना चाहिए, सही है कि नहीं सही है, बस दिखाइए यहाँ पर। तो कैसी लगी आज का क्लास? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। आज का क्लास कहीं यूट्यूब में मिल सकता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन क्यों नहीं सीखे? ऑनलाइन ऐसे सीखने को नहीं मिलेगा, लाइव लाइव सीखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। चलो कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है मतलब हल्का हो गया। आज सच बताओ कितने किए आज? 65 प्लस किए हैं। इसमें आपके भी थे? बिल्कुल सबके थे इसमें, बिल्कुल 7-8 तो मेरे ही थे सर। और ये बताओ, ये 60 जो डेड जो फोन है वो कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा लेके बैठ सकता है क्या? सर देखा ही नहीं आता किसी को मैंने, वीडियो बाहर में बना के एडिट करके भेजते थे, लाइव तो कोई दिखाता ही नहीं। आज क्या सेक्शन था, आज क्या दिन था? आज सर डेड डायग्नोस्टिक। आज आपको सर बताओ दिल से, आज अच्छा लगा आपको डेड डायग्नोस्टिक? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। डेड डायग्नोस्टिक कभी कर पाते थे इससे पहले? नहीं सर आज तक नहीं। कभी भी पावर एसी का फॉल्ट निकाल पाते थे कि पावर खराब है कि नहीं? नहीं सर, एक ही सेक्शन को देखते रहते थे कि इसका क्या करना है, क्या इसका है। अब सर देखते ही पता लगेगा कि क्या करना है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर मेरे पर डेड आता था, ऐसे हीट मारता था, वो आम तो फेंका। कभी आज तक डीसी टू डीसी भी ढूंढ पाते थे क्या? नहीं सर कुछ नहीं। अब मैं आराम से देख सकता हूँ किस कहाँ वोल्टेज आनी है, कहाँ आनी है, किस में काम करना है, आराम से देख सकता हूँ। हाँ जी हाँ सर। तो अभी कैसे कहा, अभी 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 सरल हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सरल हुआ। चलो ठीक है, इसको लाइव कहा, अब लाइव काम कराता है स्टूडेंट से। फिर हम चला लाइव करने के लिए, हम दोनों ने ऑनलाइन कोर्स किया था, लेकिन क्या होता था वो देखा हुआ है लेकिन कर नहीं सकते। ऑनलाइन किया था आपने? हाँ ऑनलाइन में। आपने आईसी लगा ली थी उस टाइम पे देख देख कर? सर नहीं सर वो नहीं हो सकता। नहीं आप, मैं खुद हाथ से करना। मैं आपसे पूछा टेलीकॉम आपने किसी ने भेजा है या आप खुद आए हैं क्या? मैं ऐसे वो नेपाल में 2-4 इंस्टीट्यूट भी देखा था। हाँ जी। एक दो हफ्ते गया गया भी, लेकिन अच्छा नहीं पढ़ाया उधर। हाँ जी। और मैंने पापा को बोला कि मेरे लिए अच्छे वाला इंस्टीट्यूट ढूंढे। हाँ उधर बोलते हैं मेरा वो लैंग्वेज। कोई बात नहीं। और फिर पापा ने, तुम्हारे पापा राम बहादुर देख रहे हैं? अच्छा अच्छा लाइव है। अरे भाई हमने इनके पापा को नमस्ते बोलो भाई, सब लोग इनके पापा नमस्ते हैं। यहाँ पर ये देखो यहाँ बहुत खुश हो रहे होंगे। पापा ने 2-4 इंस्टीट्यूट देखा इधर इंडिया में देखा, और एक इंस्टीट्यूट में तो एडमिशन भी कर दिया था। लेकिन मेरा चाचा वो 15-20 साल पहले से वो टेक्नीशियन भी है अभी तक। हाँ जी। और उसने क्या किया कि सजेस्ट किया कि एशिया टेलीकॉम, आपका एशिया टेलीकॉम 2 साल से देख रहा था, इसलिए मेरे को अंकल ने उधर एशिया टेलीकॉम में जा और उसमें न मत जाओ, उस दूसरे तो एडमिशन किया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता 1000-2000 के लिए, लेकिन एशिया टेलीकॉम में जाओ, वही बोला था। नेपाल से कोई और आना चाहे तो क्या बोलोगे? मन खोल के आ जाओ, है ना, मन खोल के। क्योंकि एक बात, वो लैंग्वेज से भी कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि सब इंग्लिश में होता है। हाँ जी हाँ जी। इंग्लिश में होता है, नेपाली और हिंदी नहीं आता वो समझ के घर में मत बैठो, क्योंकि हमको भी नहीं आता है उतना। मैं भी पहली बार इंडिया आया हूँ, पहली बार आया हूँ, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा मूवी शूवी देख कर ज़्यादा हो गया। क्योंकि काफी लोग नेपाल के हिंदी समझ नहीं। हाँ एक बार बताओ अपनी लैंग्वेज में। नेपाल मैं के भन्न चाहन्छु भने सबैजना एशिया टेलिकम इन्स्टिट्युट चाहिन्छ भने तपाईहरुलाई यदि राम्रो बार सिक्यु लगा दिए तुमने बैठ के कति बार सर 10 बार एक बार इसके जोरदार ताली बजाओ भाई 10 टाइम। मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं सर मजाक 10 बार मैं बोर्ड में लिखा भी 1+1+। अच्छा 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 चलो ठीक है थैंक यू। और मैं अब पूरी क्लास से जानना चाहता हूँ कौन कौन ने अब तक लाइव 4G CPU और पावर निकाल के लगा दिया है बताइए, यहाँ पे दिखाइए लाइव, और सभी ने कर दिया है मुझे। अच्छा कनेक्टर की क्लास हो गई है इनकी, मुझे बता कौन कौन ने आपके फोन के एक एक कंपोनेंट एक एक कनेक्टर को निकाला है बताओ, वापस लगाया है यहाँ पर, प्लास्टिक कनेक्टर से लेकर माइक्रो जम्पर किस किस ने किया है बताइए। देखिए तो ऑलमोस्ट अभी से थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना है। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?
चालू है लाइव। सो हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं 28 दिसंबर का बैच मेरे साथ में, 28 दिसंबर के बैच के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई अपने। ये एक हार्डवेयर सेक्शन का रिव्यू है जो कि मेरे साथ इनकी क्लास हुई है, अभी इनके साथ दुर्गेश सर के साथ क्लास चल रही है और अभी इनके साथ मिलन सर के साथ में क्लास होगी और हमारे साथ में हमारे दीपक सर भी है। थ्रू आउट पहले दिन से इन बच्चों ने काफी मतलब एक हद पार कर दी है, जो उन्होंने मेहनत की है वो बहुत शानदार है भाई। दोस्तों यहाँ पर ये जो है एक छोटा सा रिव्यू है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो हमने इनको हार्डवेयर का जो रास्ता दिखाया है, जो सोल्यूशन दिया है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब का, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइमरी है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड न्यू को देख कर किया हो, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे बोर्ड में दिया हो, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो छोटा छोटा सा रिव्यू हम लेंगे, पूरा पूरा देखना है इनका। तो हर दिन का तो आप देख रहे हैं, आप दिखाइए इनको। सो आप इनको हर दिन देख रहे हैं, आपकी हर दिन क्लास लाइव आई है कि नहीं आई है? लाइव आई। और मैं अब पूरी क्लास से जानना चाहता हूँ कौन कौन ने अब तक लाइव 4G CPU और पावर निकाल के लगा दिया है, बताइए यहाँ पे दिखाइए लाइव। और सभी ने कर दिया है मुझे। अच्छा, कनेक्टर की क्लास हो गई है इनकी। मुझे बता कौन कौन ने आपके फोन के एक एक कंपोनेंट, एक एक कनेक्टर को निकाला है, बताओ, वापस लगाया है यहाँ पर? प्लास्टिक कनेक्टर से लेकर माइक्रो जम्पर किस किस ने किया है बताइए। देखिए तो ऑलमोस्ट अब यहाँ पर बताओ, मिलन सर कुछ बचा है क्या आपके लिए? नहीं बचा। पहले ये सब मिलन सर की कंटेंट क्लास होती थी। तो मैं हाइब्रिड सिम कनेक्टर निकाल के लगाया गया अभी। नहीं हाइब्रिड सिम कनेक्टर निकाल के लगाया गया है, बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि प्री हीटर से निकालते हैं या फिर नहीं निकलता, तो तोड़ दो पहली बात, तो निकालते साथ ही तोड़ दीजिए और नया लगा दीजिए। सबसे पहले मैं अभी जानना चाहता हूं, तो हार्डवेयर तो हुआ है, मैं इनसे पूछूंगा अपना, मैं जानना चाहता हूं दुर्गेश सर से कि इनको सॉफ्टवेयर में भी क्या मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर में इनको वो लाइव जो भी फोन होते हैं आजकल, जो सोचते हैं कि आजकल जो ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, वो केवल उनके लिए है ऑनलाइन हो रहे हैं। क्या अभी भी ऑनलाइन है क्या? नो सर। सारा प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नो सर। यहाँ पे जो भी एरर होता है, लाइव एरर दिखाया जाता है, ड्राइवर का सबसे बड़ा मसला हो, चाहे वो टूल का मसला हो, UMT हो, चाहे अनलॉक टूल हो, ये सारा चीज प्रैक्टिकल मिलता है कि नहीं मिलता है? Yes, अभी भी इनकी क्लास चल रही है। सॉफ्टवेयर के टूल तो बहुत सारे आते हैं, तो आपने मतलब इनको सारी चीज एक ही टूल पे बता दिया? नहीं, केवल हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं दो टूल। टूल तो बहुत सारे हैं सॉफ्टवेयर करने के, बहुत नहीं लेंगे टूल के, हमें कॉन्टेंट नहीं बताना जी, केवल हम दो टूल पे काम यहाँ पे सिखाते हैं, वो भी विथ लाइव। पूरा सॉफ्टवेयर हो जाता है सर इस पे A to Z। कुछ बाकी रह गया क्या अभी तक? कल मीडिया डे की क्लास कैसे गई सर बताइए, किसको समझ में आया? हाथ खड़े करके बताओ। देखो कल मीडिया डे का क्लास रहा सर, कभी ऐसा हुआ है कि कोई टीचर ने घड़ी देख देख के पढ़ाते नहीं, 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 भागना है, भागना है, जाना है? नहीं सर। आज हमने खाना कितने बजे खाया सर बताओ? 3 बजे खाया। और आए कितने बजे थे आप? 10 बजे हमने क्लास, 10:10 पे हमने क्लास चालू कर दी थी। मैं अभी सॉफ्टवेयर, मैं इमरजेंसी में हमारे मिलन सर है जो है एक्सपर्ट, उनसे पूछना चाहूंगा कि वो क्या देने वाले इस क्लास को, बताइए सर। मैं तो इन लोगों को ऐसा चीज दिखाऊंगा, ऐसा चीज आप लोगों से करवाऊंगा जो आप सोचे नहीं होंगे, क्योंकि आज की डेट में जितने भी EMMC से फॉल्टेड या UFSS से फॉल्टेड आ रहा है चीज, ये सारा चीज मैं क्लियर करवाऊंगा आपको। और रही बात ब्लैक पेस्टेड देख के आप लोग डरते हो, और ये चीज आप लोगों को इतना मैं क्लियर करवाऊंगा, आपको ब्लैक पेस्टेड देख के ही खुशी मिलेगी। एक बार आज की मेहनत के दीपक सर के लिए जोरदार ताली। दीपक सर क्या कहना चाहोगे ये बैच के लिए? सर बहुत जबरदस्त, इन लोगों का मेहनत रहा है, ये लोग बहुत मेहनत किए, दबा के बहुत मेहनत किए हैं। और एक बार मोहम्मद सर के लिए जोरदार ताली। क्या है राजू? राजू कहाँ से? बॉम्बे से। हाँ सर, बॉम्बे में एशिया टेलीकॉम में क्यों ज्वाइन किया? नहीं सर, मैं एशिया टेलीकॉम में इसके लिए मैं किया था जॉन, फिर मैं यूट्यूब में आपको देता था और मैं दोनों ऑनलाइन पे देता था, एक्चुअली तो उधर भी था एशिया, सॉरी तो उधर भी था बहुत इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं उधर से मैं इधर आया। लेकिन एक चीज सर, मैं ऐसा मेरे अंदर ऐसा है कुछ कि मैं मतलब कि आँख से आंसू आ जाएगा, एक मेरा दोस्त था, हम लोग दोनों साथ में, तो उसने हमको निकाल दिया, तो हम लोग एक साइड हो गए। तो उसने हमको ये बोला था कि तुम कभी जिंदगी में ऐसा कभी तुम रिपेयर तुम बनेगा नहीं, लेकिन ऊपर वाला का दुआ था कि मैं एशिया टेलीकॉम में आ गया, मेरा लाइफ क्या बात है बन गया।
मैं पूछना चाहूँगा, मुझे सच बताओ दिल से कि वाकई में यहाँ तक जो भी चीज़ आपने पढ़ी अब तक वो आपको पैसा वसूल हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए सर, मैं बात यह भी बोलना चाहता हूँ, सच में हमको हार्डवेयर कुछ भी नहीं आता। जी जी, हार्डवेयर क्या होता है वो खाली मैं ये करता था, डिस्प्ले और प्लेट खाली, वो सब मैं खाली डालता था। मैं देव सर के दुआ से ये सब के, जब यहाँ के एशिया टेलीम को दुआ से आज मैं इतना अच्छा हो गया हूँ कि मैं अपने इधर में जाके मैं अच्छा से रिपेयर कर सकता हूँ। लेकिन एक बात और मैं बोलते, जो दोस्त हमको जो अलग जो किया, भाई अगर तुम भी यहाँ पे अगर आना चाहता है तो तू भी यहाँ पे आ जा, तो तुम हमसे भी अच्छा हो जाए, हो सकता है। ठीक है सर, मैंने फेसबुक पे देखा था। हाँ जी, तो वहाँ से मैंने रिव्यू देख के आया हूँ। फेसबुक पे भी लाइव देखा था आपने? यस सर। आपने क्यों भोपाल में क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्यों ये नहीं सोचा कि दिल्ली चले जाए, मुंबई चले जाए, बड़े एक ऐसी जगह पे जहाँ घूमने को भी मिल जाए, टूल्स भी परचेस कर लेंगे, ऑल ओवर सब कुछ मिल जाएगा, फिर ऐसा क्यों जबलपुर जैसे छोटे शहर में? वो एशिया टेलीकॉम के रिव्यू देखते हैं तो उससे ज़्यादा ही मिला है। एक ट्रस्ट फील होता है यहाँ। पहले दिनों आपके में कितना अंतर है, सिर्फ इतना बताओ आपके में, क्योंकि आधा कोर्स है अभी हमारा, आधा बचा है, बताइए। पहले दिन तो सर कुछ भी नॉलेज नहीं। हाँ, अब तो बहुत नॉलेज है। आज हमारी क्या क्लास थी बताइए सर? आज है ना डेड डायग्नोस्टिक। डेड डायग्नोस थे हमने यहाँ पर। डेड डायग्नोस क्या अपने मोबाइल में किया, किसके मोबाइल में किए बताइए? हमारे मोबाइल में। आपके मोबाइल में कितने मोबाइल में किए लगभग यहाँ पर? 65 प्लस। ये हमने किए कि नहीं किए यहाँ पर? ये देखो वहाँ पर दिखाओ, ले जाकर एक बार सेट दिखा दीजिए। 65 सेट में डेड डायग्नोस किया आज का क्लास? कहीं यूट्यूब में मिल सकता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन क्यों नहीं सीखे? ऑनलाइन ऐसे सीखने को नहीं मिलेगा, लाइव सीखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। चलो कोई बात नहीं, हम अपलोड कर देंगे। सो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? तेजेंद्र। आप कहाँ सर? सर मैं पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा से। यार आप क्या काम करते थे? पहले रिपेयर की काम करता था। रिपेयरिंग का काम करते थे, तो आपने क्या सोचा कि सर टेलीकॉम जाया जाए? सर मैं आपका 2015 से फैन हूँ। अच्छा, आप मेरे फैन? आप कोई फैन वैन नहीं है, आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको उनको लग रहा है कि हाँ ये हमको सिखा सकते हैं, फॉलोअर करते हैं, फॉलो करते हैं आप? ठीक है, 2015 से फॉलो कर रहा था, तो अब मौका मिला था मेरे को। हाँ, तो मैं ये गवाना नहीं चाहता था। गवाना नहीं चाहते थे? आपके दिमाग में कभी दूसरे इंस्टीट्यूट की बारी आई कि कभी जाता हूँ सोचता हूँ? नहीं आई। नहीं सर, मेरा एक रिलेटिव थे, उन्होंने बहुत इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। जी जी जी। पर मैंने कहा नहीं सर, यही जाना। अब सच बताओ दिल से, पहले दिन से आपके में कितना अंतर है? सर बहुत अपग्रेड है। बहुत अपग्रेड है ऐसा? और यहाँ पर आके ऐसा फील होता है कि इस फील्ड में अगर आगे भी कोई सर्किट आएगा तो ये बताएंगे हमको, और हमको यहाँ पे हमेशा का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। यहाँ आगे मेरे को एक ट्रस्ट मिला है कि मैं आगे और काम कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं काम करते करते उम्मीद छोड़ चुका था कि आगे मेरे से काम नहीं होगा। जी जी। पर अब यहाँ आके उम्मीद होगी कि मैं जिंदगी भर जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे तो कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग कितनी जरूरी है? हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है यहाँ पर। हर एक बच्चे ने हार्ड वर्किंग की है यहाँ पर? सर बहुत कर रहे हैं सर, दो दो तीन तीन बजे तक जागते हैं यहाँ पर सुबह। डिसिप्लिन के बारे में क्या बात? डिसिप्लिन सकता है सर, डिसिप्लिन में तो रहना पड़ेगा सर। आज क्या सेक्शन था, आज क्या दिन था? आज सर डेड डायग्नोस। आपको सर बताओ दिल से, आज अच्छा लगा आपको डेड डायग्नोस? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। डेड डायग्नोस कभी कर पाते थे इससे पहले? नहीं सर आज तक नहीं। कभी भी पावर एसी का फॉल्ट निकाल पाते थे कि पावर खराब है कि नहीं है? नहीं सर, एक ही सेक्शन को देखते रहते थे कि इसका क्या है, इसका है। अब सर देखते ही पता लगेगा कि क्या करना है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने देखा कि हाँ मेरे लेवल पे है, ऐसा तो है पक्का? अब मेरे को सर लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में और कुछ भी अचीव कर सकता हूं। और कर सकते हैं? आज से पहले मैं कर रहा था सर यूट्यूब देख के। हाँ जी हाँ जी। मतलब यूट्यूब वाला नॉलेज। कभी आपने इंस्टीट्यूट नहीं किया? कभी आज तक नहीं। मुझे लगता था कि नहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। सच बताओ, झूठ ही बोल रहा है? मैं 10 साल से यूट्यूब देख के कर रहा हूं। यूट्यूब देख के कर रहा हूं। फिर लास्ट टाइम मैंने 2 महीने पहले आपको फॉलो करा, वीडियो देखी थी। मैंने WTR का दिया, WTR का डाला, वो सेक्शन देखा। हाँ जी हाँ जी। तब से मतलब मेरे अंदर फीलिंग आई कि मेरे को अब सीखना चाहिए। सही बात है, क्योंकि इतना सब कुछ है और ये अब यूट्यूब में लोग भी छुपा रहे हैं, हम भी छुपाते हैं, सभी छुपाते हैं। तो जब मैं फर्स्ट डे आया था, दो घंटे की काउंसलिंग हुई। हाँ। दो घंटे मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ। फिर उसके बाद मैं डे वन से अब तक का क्या रहा सफर बताइए? मैं सर मतलब जब मैं आया था मैं समझ सकता हूँ मैं 0% था। हाँ जी। अब कम से कम मेरे को 60-70 का फील हो रहा है कि अभी तक, क्योंकि आधा है अभी तक, MMC बची है, ब्लैक पेस्टेड बचा है। डेड डायग्नोस तो ऐसा लग रहा है मतलब हलवा हो गया। आज सच बताओ कितने के आज
65 प्लस किए हैं इसमें, आपके भी थे? बिल्कुल सबके थे इसमें, बिल्कुल 7-8 तो मेरे ही थे सर। और ये बताओ, ये 60 जो डेड जो फोन है वो कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा लेके बैठ सकता है क्या? सर देखा ही नहीं आज तक किसी को मैंने, वीडियो बाहर पे बना के एडिट करके भेजते थे, लाइव तो कोई दिखाता ही नहीं है। तकरीबन 3-4 महीने से देख रहा था एशिया टेलीकॉम लाइव रिव्यू हर टाइम। हाँ मेरे को कुछ आता था मैं 5-8 साल से मैं इस फील्ड में, हाँ जी, मगर कुछ मेरे से होता नहीं था। बिल्कुल, मैं सोचा मैं शटल में जाऊंगा कुछ करके दिखाऊंगा। तो फिर आपने ये सोचा कि इंस्टीट्यूट जाए? हाँ, तो आपने एशिया टेलीकॉम ही कुछ सुना था और भी तो सुने होंगे? सर मैंने कम से कम 1 महीने मशवरा भी किया बहुत उसे जो है मशवरा भी किया, फिर एक के इनको बाबा टोलोस बहुत के रिव्यू भी देखे उनके, हाँ जी, मगर मुझे सिर्फ एशिया टेलीकॉम को। अच्छा बताओ आपका जो डिसीजन था वो कैसा था? सर बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। अकेले आए थे यहाँ पर? हाँ सर अकेले, बिल्कुल अपने दम पर, अपने दम पर, कि ये सोच के कि यार जो होगा मेरे साथ होगा, बुरा हो या भला हो या कैसा हो। आज कैसा है आज का दिन? सर बहुत फील खुश कर रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा है। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। आउटपुट कैसा रह रहा है आपका डेली का? किसी ऐसा तो नहीं कि टीचर डांट रहे हैं या कोई बात है मैनेजमेंट में, कोई ऐसा तो नहीं? नहीं बढ़िया सर। और यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आप रहने आए हो, खाने आए हो, घूमने आए हो, क्या करने आए हो यहाँ पर? यहाँ पर हार्ड वर्क बहुत है सर, हार्ड वर्क बहुत है सर, सीखने आए हो ना यहाँ पर, रिपेयरिंग सीखने आए हो, तो रिपेयरिंग मिल रही है सीखने? हाँ सर बिल्कुल सर, पक्का? हाँ सर, प्रैक्टिकल में वर्क मिलता है, टाइम मिलता है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आज क्या दिन था? आज क्या सर? डेड डायग्नोस। क्यों, क्या हुआ डेड डायग्नोस में, कितने दिखाया सर? सर डेड आता था ऐसे हीट मारता था वहाँ तो फेंका। कभी आज तक DC to DC भी ढूंढ पाते थे क्या? नहीं सर कुछ नहीं, अब मैं आराम से देख सकता हूँ किस कहाँ वोल्टेज आनी है, कहाँ आनी है, किसमें काम करना है, आराम से देख सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो अभी कैसे कहा, अभी 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 सरल हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बहुत सरल हुआ। चलो ठीक है, इसको लाइव यम है हम यहाँ पर, ये दोनों नेपाल से, और कोई नेपाल से है क्या इसके अलावा? नहीं, दो नेपाल से हैं दोनों भाई, बहुत अच्छे हैं, अलग अलग ही आए, अब अलग अलग आए ना, पहले आपसे बात करते हैं। बहुत स्मार्ट हो यार, एक बात तो है, मेरी वाइफ कहती है अलग से कि बंदा हीरो लगता है, बट कह सभी अच्छे हैं, स्मार्ट है। मुझे बताओ कि क्या उम्र? मेरा 23 साल है। 23 साल की उम्र में क्या ऐसा लगा कि इंस्टीट्यूट चले आए? 23 साल की उम्र में तो लड़के बाल बनाकर बाइकों में घूमते हैं, हैं तो पहाड़ों के पीछे, आपका ऐसा क्यों ड्रीम हुआ कि मैं सीखूं, एक बहुत सारे टेक्नीशियन के साथ बैठूं, ऐसा क्यों लगा आपको सर बताइए? क्योंकि अपना फ्यूचर भी देखना पड़ेगा, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 23 साल में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हो रही है आपको, बड़ी बात है। तो मुझे बताओ आप इस टेलीकॉम आपने किसी ने भेजा है या आप खुद है क्या? हाँ मैं ऐसे वो नेपाल में 2-4 इंस्टीट्यूट भी देखा था। हाँ जी, एक दो हफ्ते गया भी, लेकिन अच्छा नहीं पढ़ाया उधर। हाँ जी, और मैंने पापा को बोला कि मेरे लिए अच्छे वाला इंस्टीट्यूट ढूंढे। हाँ उधर बोलते है हाँ। मेरा वो लैंग्वेज कोई बात नहीं। और फिर पापा ने, तुम्हारे पापा राम बहादुर देख रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, लाइव है अरे भाई, हमने इनके पापा को नमस्ते बोलो भाई, सब लोग इनके पापा नमस्ते है यहाँ पर ये रे बाप यहाँ बहुत खुश हो रहे होंगे। नहीं पापा ने 2-4 इंस्टीट्यूट देखा ही हमें देखा, और एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी कर दिया था। लेकिन मेरा चाचा वो 15-20 साल पहले से वो टेक्नीशियन भी है अभी तक। हाँ जी, उसने क्या किया कि सजेस्ट किया कि एशिया टेलीकॉम आपका एशिया टेलीकॉम दो साल से देख रहा था, इसलिए मेरे को अंकल ने उधर एशिया टेलीकॉम में जा और उसमें न मत जाओ, उस दूसरे तो एडमिशन किया कुछ भी फर्क नहीं पड़ता 1000-2000 के लिए, लेकिन एशिया टेलीकॉम में जाओ वही बोला था चाचा ने, और पापा ने इधर कर दिया। तो अब मैं बताओ, पापा आपके देख रहे हैं, पापा से क्या बोलना चाहेंगे यहाँ पर? आज क्या दिन रहा आपका? आज डेट का है, डेड का। आप मुझे बताओ कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया डेड का, क्योंकि डेड एक ऐसा कंसेप्ट है कि आपको पहले पीसीबी की डिटेलिंग नॉलेज, पीसीबी देखने का नजरिया, कंपोनेंट की डिटेलिंग, हर आईसी की पहचान, पावर आईसी, सब पावर आईसी, DC to DC, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए आपका क्या स्ट्रक्चर है। अब आप पीसीबी देखने को क्या बोलते हो अगर आप देखते हो तो? बहुत इजी ऐसा लगता है, सालों से देख रहा हूं जी सर। चलो ठीक है, तो अभी नेपाल से कोई और आना चाहे तो क्या बोलोगे? मन खोल के आ जाओ, है ना, मन खोल के, क्योंकि एक बात वो लैंग्वेज से भी कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि सब इंग्लिश में होता है। हाँ जी हाँ जी, इंग्लिश में होता है, नेपाली और हिंदी नहीं आता वो समझ के घर में मत बैठो, क्योंकि हमको भी नहीं आता है उतना। मैं भी पहली बार इंडिया आया हूँ, पहली बार आया हूँ, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा वो मूवी शूवी देख कर ज्यादा हो गया है। क्योंकि काफी लोग नेपाल के हिंदी समझ नहीं। हाँ एक बार बताओ अपनी लैंग्वेज में। नेपाल मैं के भन्न चाहूँ भी सबजा एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट चाहिए भने तपाईलाई यदि राम्रो इंस्टीट्यूट चाहिए राम्रो इंस्टीट्यूट पढ्न छ भने एशिया टेलीकॉम में आउनुहोस्, किनभने एकदम राम्रो डिपली हुन्छ सबै कुरा, सफ्टवेयर हार्डवेयर सबै चीज राम्रोसँग सिकाउनु हुन्छ, देव सर एकदम राम्रो सर हुनुहुन्छ, एकदम ट्यालेन्ट सर, और धेरै सबैजना स्टाफहरू एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, सबै खतरनाक एकदम डेन्जर के भन्छ।
यम है ये है सबके फेवरेट मेरे ख्याल से है ना। बताओ यम कैसे एशिया टेलीकॉम। एशिया टेलीकॉम तो बेस्ट है सर, आज तक का जितना भी सफर रहा एकदम बेस्ट है। तो इससे पहले मैं मेरा करियर में 6 साल हो चुका है इस फील्ड में, तो 6 साल में मेरे को कुछ सीखने को नहीं मिला, मतलब ऐसा कि अपडेट करने के लिए नहीं मिला, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट को मैंने फॉलो भी किया उस टाइम मेरे को सीखने को नहीं मिला, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट को मैं काफ़ी मैंने उसे मैंने फॉलो किया तो मिला नहीं को। लास्ट टाइम में एक बार मैंने फेसबुक ओपन किया एशिया टेलीकॉम, एक बंदे ने बोला था एशिया टेलीकॉम को वो सर्च करके देखा तो उस टाइम पूरा लाइव देखा मैं डे टू डे मतलब फॉलो करते गया, तो मेरे को लगा कि एशिया टेलीकॉम ही बेस्ट है, जो मेरे को चाहिए जो मेरे को सीखने को मिलेगा वही है एशिया टेलीकॉम। इसलिए मैं फिर डिटेल में सर से बात किया, सर से बात करने के बाद में बोला कि बाद अब 1 महीने बाद आऊँगा, तो 1 महीने पहले मैंने एडमिशन करके तो यहाँ पर ज्वाइन हुआ। चलो ठीक है मैं बहुत सारी चीज़ पूछूंगा पर बाद में मुझे बताओ आज क्या क्लास थी। आज हमारा डेट डायग्नोस था ऑलमोस्ट 60-70 सेट में हमने डायग्नोस किया। क्योंकि सर दो सेट में इमीडिएट एक ले लेते कॉलकम ले लेते उसमें समझ में आता, 3 में आता 4 में आता 60 मतलब इसमें सैमसंग भी थे बहुत सारे सेट थे इसमें अलग अलग टैक है ना, तो ये बताओ कि कैसा रहा आज का दिन। आज का एकदम बहुत बढ़िया रहा सर, अब पीसीबी में डेट डायग्नोस करने का नजरिया मतलब चेंज हो गया, मतलब हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते 1 मिनट में पीसी में देखे पता चलता है कि वहाँ पर कौन सा क्या शॉट है और कहाँ फॉल्ट है वो डायरेक्ट बता बता सकते हैं। ठीक है काम करने में टाइम तो लगता ही है बट इतना है कि एक हमारा कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारा काम जल्दी हो गया। अब ये नहीं कि लेकर बैठ गए और सोच रहे कि शुरू कहाँ से करूँ, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए मुझे बताओ कि कोई नया आना चाहे नेपाली में लैंग्वेज में कि क्यों आए एशिया टेलीकॉम। तो नेपाली को जितना भी नेपाली भाई हो उनको मैं कैसा इंग्लिश नेपाल में नेपाली में जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू 8-10 साल 15 साल 20 साल जति समयसम्म काम गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई म यहाँबाट भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँले राम्रो फिल्डमा राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ अझै पनि आफूलाई अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो ह्यान्ड स्किललाई एकदम अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज भिजिट आवर एसिया टेलिकम। एसिया टेलिकम इज अ बेस्ट अर इन्स्टिट्युट ओभरअल इन नम्बर वान इन्डिया इन्स्टिट्युट। सो आपका नाम क्या है। सुनील नाम। सुनील कहाँ से। गुजरात। गुजरात में कहाँ से। गुजरात मेहसाणा। तो इससे तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी सिटी पास है मेरे ख्याल से दिल्ली विल्ली मुंबई पास है क्या। अहमदाबाद पास है। तो फिर जबलपुर कभी सुना था ना। नहीं कभी सुना ही नहीं। किन किन ने जबलपुर नहीं सुना था सर बताओ दिल से। जबलपुर सुना ही नहीं। नहीं सुना। ये देखो इन्होंने सुना ही नहीं कभी नहीं सुना था जबलपुर मध्य प्रदेश सुना ही नहीं। तो बताओ कैसे आ रहे। सर मैं जब मोबाइल बनाता था तो फंस जाता था फिर मैं बाहर बनवाता था फिर क्या उसमें बहुत नुकसान हो जाता था कई बार मोबाइल बाहर भी नहीं बनते थे फिर मैं एक रेडमी के फोन में फंस गया तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था उसमें सर आपका वीडियो देखा मैंने इसी दिसंबर में देखने के बाद मैंने पूरा महीना में आपको फॉलो किया और फॉलो करने के बाद तुरंत डिसीजन ले लिया क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका जो हम रिव्यू देख रहे थे सभी इंस्टीट्यूट से बिल्कुल अलग अलग है क्योंकि उसके जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस सब अलग थे उसमें। उससे मालूम पड़ा कि सर इधर ही जाना है। आज आपको रिव्यू दे रहे हो है ना। आज क्लास कौन सी थी वो बाकी चीज तो बहुत कुछ पूछेंगे। आज क्लास कैसी थी। बहुत बढ़िया रहा सर। आज क्या था। आज डेट डायग्नोस। डेट डायग्नोस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। यस सर। डेट डायग्नोस में समझाना ऐसा होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। मैं भी दिमाग में रहता हर टीचर के दिमाग में रहता है डेट डायग्नोस में कि कहाँ से शुरुआत करें। आधे अधूरे नोले वोले वाले टीचर तो शुरुआत लेते हैं कि बैटरी का वोल्टेज पहले इतना चेक करो फिर ये सारी चीजें। नहीं पर मेन कंसेप्ट है हम यहाँ पे चिप लेवल पे सीखने आए हैं और यहाँ पे हमें चिपों के वोल्टेज सीखना है कि पीसीबी में पीसीबी देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला। पहले दिन तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि पीसीबी में क्या क्या लगा। 2 दिन गए पूरा नजरिया बदल गया। मुझे बताओ अगला कोई देखना है आए गुजरात से तो क्यों आए। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हो आप गुजरात से क्या पूरे इंडिया से कहीं से भी आप आ सकते। चलो ठीक है थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आ जाइए। सर पहले कुछ भी नहीं पता था मोबाइल में कि कंपोनेंट क्या है रजिस्टर क्या है। हाँ जी हाँ जी सर। उसके बाद फिर एशिया टेलीकॉम की वीडियो देखी फॉलो करा उसको सर। उसके बाद देखा कि रिव्यू देखिए सबके तो सर उसमें एक विश्वास लगा एक भरोसा लगा उनको रिव्यू को देख के कि नहीं अपनों को कुछ यहाँ मिल सकता है। फिर यहाँ आए हम सर। कौन से लेकर अब तक का क्या सफर। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने लाइव क्या काम किया।
सीपीयू निकाला और आईसी किया और की बात करें कॉम्पोनेंट भी किया आपने, कॉम्पोनेंट कनेक्टर निकाले होंगे, माइक्रो जम्पर किया होगा प्रैक्टिकली की बात में। हर अगर मैं बात करूँ लाइट आईसी की, या मैं बात करूँ डिस्प्ले आईसी, या बात करूँ चार्जिंग या नेटवर्क में WTR या SDR जो भी है, वो भी आईसी आपने निकाली कि नहीं लगाई? बिल्कुल सर। जी हाँ, डाटा सीट भी बनाई ना। हाँ, तो मुझे बताइए कि अब तक अगर आप किसी को बोलना चाहेंगे कि एशिया टेलीकॉम क्यों ज्वाइन करें, दो शब्दों में बताओ क्यों ज्वाइन करें। बिल्कुल सर, नंबर वन एशिया टेलीकॉम है, नंबर वन इंडिया का, बिल्कुल भरोसे से आ सकते हो आप जो नहीं सोचोगे आप उससे ज्यादा। अच्छा बताओ, ऑनलाइन बैठ लेते सीख लेते इतना? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन सीखा? मुझे बताओ ऑनलाइन कौन है जो ये बताए कि ऑनलाइन सीखा जा सकता है? मैंने इस वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखा जी, और बहुत काम भी किया, फिर जाके पैसा वैसा कनेक्ट किया करके फिर इधर आया सीखने के लिए सर से अच्छी तरह से। मतलब अब्दुल तुमने पैसे इतने जोड़े होंगे मेहनत से, और तुम्हारा कहीं पैसा वेस्ट नहीं किया? नहीं सर, अब्दुल एक रुपया भी वेस्ट नहीं। आपको लाइव लेते हैं हमेशा? हाँ सर। लाइव में आप बिल्कुल दिल खोल के बोल सकते हैं? यस सर। कि ऐसा होता है तो आप बोलिए कि भाई हमारा तो पैसा वेस्ट हो गया, हम तो कुछ नहीं सीखे? नहीं, ऐसा पक्का नहीं। आपके वहाँ से कोई आना चाहे तो क्यों बोलोगे, क्या बोलोगे? 100% आ सकता है। लाइव क्या किया? मैंने लाइव 4G CPU किया। और उससे पहले आईसी कभी लगाई थी आपने? थोड़ा बहुत लगाया लेकिन अच्छी तरह से होता नहीं, नहीं होता था, था। वही मतलब आपको लगाना निकालना आता था, कर लेते थे, पर वो सही तरीका नहीं, तरीका नहीं होता था। तो क्या बता, क्या भरोसा बोर्ड हीट कर दो या फिर कुछ भी है? कितनी बार CPU लगा दिया तुमने बैठ के वहां? कितनी बार? सर 10 बार। 10 बार? एक बार इसके जोरदार ताली बजा भाई, 10 टाइम। मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं सर, 10 बार। मैंने बोर्ड में लिखा भी 1+1+। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। मुझे मतलब कुछ भी आता नहीं था, मतलब कंपोनेंट आईसी का नॉलेज ही नहीं था, ठीक है। तो मैंने राजू भाई को बोला कि मुझे किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, तो वो बोला कि एक इंस्टीट्यूट है, चल हम दोनों चलते हैं। तो उसके उसके साथ नहीं करवाया। अच्छा 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 अच्छा, तो मुझे बताओ अभी का अब तक का क्या है? बहुत कुछ सीख ले, पहले तो कुछ भी नहीं आता था। अभी आज क्या है, आज का ही क्लास थी डेट डायग्नोस? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। पक्का? आपके भी तो फोन थे वहाँ पर, डेट डायग्नोस समझ में आया पूरी तरीके से? हाँ गया सर। अच्छा मुझे बताओ लाइव क्या काम किया? CPU लगा लिया, 4G पावर से लगा लिया, माइक्रो जम्पर किए और कनेक्टर्स बदले सारे, प्लास्टिक कंपोनेंट सारा का सारा जो उतर के टेबल पे रख दिया सेक्शंस। अच्छा ये बताओ मेरे को कि जो सर के जितने भी सेक्शन थे आपके, बैटरी से लेके लाइट, ग्राफिक, चार्जिंग, नेटवर्क, कौन सा ऐसा सेक्शन था जिसमें आपने आईसी चालू मोबाइल से निकाली नहीं और डबल से लगाई नहीं? सबका सब किया, मतलब मेरा हर सेक्शन में किया मेरा, ऑन मोबाइल था, डायग्राम भी बना, डायग्राम बनाया, डाटा शीट बनाई, डाटा शीट बनाना है, समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने आपके हर एक स्टूडेंट का रिव्यू देखा, उनका कॉन्फिडेंस देखा, उनका अगर कैसा है, इतने बंदे सीख रहे तो सब अगर दिल खुश के रिव्यू देते तो कुछ तो बात है, अच्छी तो लंबी कुछ तो सीखने को मिलेगा। मैं पहले काम करता था लेकिन नेटवर्क के इसके प्रॉब्लम बहुत ये जाते थे, अगर डेढ़ मोबाइल आया खाली ब्रश से साफ के IP मार के ऐसा ही हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही हीटिंग वीटिंग मार के दे देता था। लेकिन अभी जो इधर सीखा है सबने, जो सर ने जो इंफॉर्मेशन इधर दी है, कौन सा कंप्यूटर कैसे करने का सब भी, तो बहुत अच्छा सीखा है इधर, बहुत अभी कुछ सीखने को मिला है और दिन बाकी है, बहुत बाकी है, 15-16 दिन हो गए। मुझे बताओ लाइव क्या किया? सर मैंने CPU निकाल के 4G हैंडसेट का, जो फोन का और इसका इसका भी, पहले के कभी आईसी का काम करते थे? नहीं सर, डर लगता था कभी भी नहीं किया, खाली चार्जिंग सॉकेट का अलावा दूसरा आईसी का कभी उठाया भी नहीं, कभी नहीं, नहीं सर। ये आप ही किए? यहाँ पे पहली बार किया। ट्रेनिंग का काम करता था और हार्डवेयर रिपेयरिंग का काम करता था। मतलब मोबाइल में IC का काम करते थे? नहीं 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 करते थे। कभी लाइव में IC निकाल के लगाई थी? नहीं नहीं। यहाँ पर लाइव क्या काम किया था? लाइव CPU रिवॉल्व करके लगाया और चालू हो गया सेट और फिर पावर लगाया। इनने बताओ मेरे भाई, सौरभ ने लगाया कि नहीं लगाया? हाथ खड़े करके बताओ, क्योंकि आप इनके दोस्त है, आप झूठ नहीं बोलेंगे। मेरा भांजा है। अच्छा आप साथ में आए? हाँ, हिंदी नहीं बोल पाते, जट जट के रहते हैं, क्या बोलू, बातें बनाना सर, हाँ बंगाली है इसलिए बोल नहीं पाते। चलो कोई बात नहीं, बंगाली में बोल सकते हैं आप? बंगाली में हल्का सा बोलिएगा, मैं बहुत कम पूछूंगा आपसे। मुझे बताओ सौरभ, आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, 5 लाख के ऊपर गया है, जिसमें आपने पावर आईसी लगाई थी 4G से, है ना,
आपने जियो से पावर आईसी निकाल के लाइट लगाई थी, वो आप ही ने किया था या हमने करवाया था या हमने हमने करके दे दिया था? मुझे ना नीचे ही आपने किया था पक्का? वो फेक वीडियो तो नहीं था? नहीं नहीं फेक वीडियो नहीं। यहाँ एशिया टेलीकॉम में आके आपको कैसा लग रहा है सच बताइए? बहुत अच्छा। आज क्या क्लास थी? आज डेड डायग्नोस की क्लास। आज क्या होता है डेड डायग्नोस, मतलब आपके हिसाब से क्या डेड डायग्नोस, मतलब आज क्या जो फोन बंद हो गए हैं उनको चालू कैसे करें? डेड डायग्नोस मतलब कहाँ प्रॉब्लम है, पावर किधर आपकी नहीं हो रही है ऑन, पावर से या किसी आईसी से ऑन नहीं हो रहा है, तो वो आईसी कैसे फाइंड आउट करें, इसकी क्लास थी ना? ये समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ, समझ में आया। इसको अपन कल से प्रैक्टिकल करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है चलो बैठे मेरे साथ। बट मैं ये कहना चाहूंगा जितना भी वीडियो देखते रहोगे उतना पछताते रहोगे, जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी सीखोगे, जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे और हर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा जो कि आपको अपग्रेड करेगा। अपग्रेड लेवल पे आ जाना, बेसिक से तो अपग्रेड आओ कम से कम। चलो थैंक यू वेरी मच।